इसी तार पे, इसी बांस पे, इसी मल्चिंग पे, इसी हाँ, सेम ड्रिप पे हाँ, हम लोग उसमें मटर लगा देंगे। हम नमस्कार, मैं रितेश, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। और हम लोग ये जो एग्रीकल्चर वाले वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, बहुत पसंद आ रहा है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो उसी कड़ी में एक और वीडियो लेकर के आ रहे हैं हम लोग कि एक ही बार में दो दो क्राफ्ट कैसे ले सकते हैं, एक ही खर्चे में, बहुत कम खर्चे में दो क्राफ्ट आप लेने वाले हैं। तो इस वीडियो पर बने रहिएगा, पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। अगस्त में आपने लगाया खीरा? हाँ, खीरा लगाया। सुना गया ना, खीरा का प्रोडक्शन हम इसलिए लिए कि खीरा आज लगाते हैं तो ठीक 35 दिन के बाद इस खीरा को हम लोग तोड़ना शुरू, खीरा का पैदावार चालू हो जाता है। पहले यहाँ पे आपने लगाया था खीरा और उसके बाद में उसके साइड में, दोनों साइड में आपने ये लगाया है मटर। हाँ, इसको जिगजैग क्रॉप बोलते हैं। हमने पहले जैसे यहाँ खीरा का पौधा लगा, फिर हमने उसको जिगजैग में यहाँ मतलब लगाया जी, उसकी दूरी हमने रखा 6 इंच। अब इसकी दूरी हो गई मात्र 4 इंच, 4 इंच मटर पर सेकंड क्रॉप के लिए। तो हमको उसमें से एक ही लागत पर डबल फसल, हमको अतिरिक्त मतलब नहीं करना पड़ा, मल्चिंग खाद जो भी हमको रासायनिक खाद या अपना बर्मी तैयार किया हुआ बर्मी खाद, उसी उस पर हमने इसको सेकंड क्रॉप ले लिया। अभी इस पे तीसरा भी ले सकते हैं? नहीं, तीसरे में हमको इसकी क्वांटिटी चेंज करना पड़ेगा, मल्चिंग की। अच्छा, ये 20 माइक्रोन का है, उसके लिए हमको 25 माइक्रोन का मल्चिंग लगाना पड़ेगा। एक बार लगाएंगे तो उसमें तीन फसल ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ना आप खेती, इस पे पहले खीरा लगा हुआ था, जो पत्ते देख रहे हैं आप सूखे, इसमें पूरा खीरा उगा था। और उसी खेती में बिना हल चलाए, बिना किसी अलग प्रैक्टिस के, बिना मेहनत के, बिना पूंजी लगाए, वापस फिर से इसमें मटर लगाया गया। जो मटर की कॉस्टिंग है सिर्फ वो लगी है, खाद वही, बेसल वही, सारा चीज़ मल्चिंग वही, ड्रिप वही, बस इसमें फसल दो हो गए। आपको अगर ऐसे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, आपको ये खाद बीज कुछ भी आपको परचेस करना है, तो लिंक पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, वहाँ जाइएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। फार्मर का नंबर मैं नहीं दे पाऊँगा इस वीडियो में, आप लोग उसके लिए मुझे क्षमा करें। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, मैक्सिमम जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। अगर ये मटर चाहिए, हाइब्रिड मटर, हाइब्रिड खीरा, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे लिंक है, आप परचेस कर सकते हैं। ये क्या है ना, ये हमारा 20 माइक्रोन का मल्चिंग है। हाँ। हम लोग जब इसको बिछा देते हैं तो अभी ये हम लोग का मल्चिंग चलेगा, ये खराब नहीं होगा। तो इसी तार पे, इसी बांस पे, इसी मल्चिंग पे, इसी सेम ड्रिप पे हम लोग इसमें मटर लगा देंगे। ये हम लोग यूट्यूब पे देखे थे। अच्छा, हम लोग YouTube पे देखे वीडियो, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग इसको फिर पहले फेंक देते थे कि हटाओ, फिर से जुताना है और फिर करो, तो अब ऐसा नहीं करते हैं। एक जीरो टीले जाने लगा है। अभी अभी मैं भी जब पढ़ाई कर रहा था तो जीरो टीलेज के बारे में पढ़ा था, तो वो एक तरह का यही है। अच्छा। बस इसको हल्का खुरपी से जहाँ बीज लगाना है घुमाएं और वहाँ बीज लगा दिए, हो गया अपने। अभी ये प्रोडक्शन उतना ही होगा कि थोड़ा इसमें डिफर आता है कि नहीं? खीरा के हिसाब से नहीं, प्रोडक्शन अगर मटर का देखेंगे तो टोटल जितना उसका है ना कैपेसिटी, वो तो होगा ही, वो पूरा होगा। हाँ, वो पूरा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके। अभी ये जो वैरायटी है इसके बारे में बताइए, कौन सी वैरायटी है ये? एडवेंटा का गोल्डन GS10 है। अच्छा, ये आपने पहली बार लगाया या इससे पहले? नहीं, इससे पहले भी हम लोग इसको लगा चुके थे। रिजल्ट बहुत अच्छा था, तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये बहुत एडवेंटा का गोल्डन GS10 जो मटर है, बहुत अच्छा वैरायटी है। आप जो फार्मर है उनको यही सजेस्ट करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई। दोस्तों, आपको अगर कुछ भी इसमें से जानकारी लगे तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे आपको लिंक मिलने वाले हैं। अगर आपको परचेस करना है तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।